एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई जाने वाली कोई भी खाने की चीज़ आपको अपने डॉग को बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकती हैं। इसीलिए आप अपने डॉग को इन सभी खाने की चीज़ों से दूर ही रखें। तो क्या क्या हैं वो चीज़ें, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रौनक एंड पेट, जहाँ पे मिलती है आपको आपके पेट से रिलेटेड ए टू जेड जानकारी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमसे शेयर करने के लिए या हमें कोई सजेशन देने के लिए नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो हमारी पहली चीज़ है वो है एवोकाडो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एवोकाडो एक फल होता है जो कि इंसानों को काफ़ी पसंद होता है, मगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ें इंसानों के लिए अच्छी हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके डॉग के लिए भी वैसे ही फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, इसमें एक टॉक्सिन पाया जाता है जो कि पर्सिन नाम का होता है, तो ये आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपके डॉग में सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और साथ ही साथ आपके डॉग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, ये अगर आप अपने डॉग को खिलाते हैं या आपका डॉग गलती से खा लेता है तो इसकी वजह से आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, और अगर आप इसका सही टाइम पर इलाज नहीं कराते हैं तो आपके डॉग की अनफॉर्चुनेटली डेथ तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, जो हमारी अगली चीज़ जो आपको अपने डॉग को बिल्कुल भी खाने में नहीं देनी है वो है किशमिश या फिर अंगूर। दोस्तों, ये दोनों ही चीज़ें आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, या ये ऐसा मान लीजिए कि यह आपके डॉग के लिए एकदम जहर के समान होते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ किशमिश या फिर अंगूर से बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट आप अपने डॉग को बिल्कुल भी ना दें, वरना ये आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जो हमारी अगली चीज़ है जो आपको अपने डॉग को खाने में नहीं देनी है वो है चॉकलेट। दोस्तों, जैसा इंसानों के लिए तो चॉकलेट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी मानी जाती है अगर उसे एक निश्चित मात्रा में खाया जाए, मगर ये आपके डॉग के लिए, अगर आप इसे थोड़ी सी भी दे देते हैं अपने डॉग को, तो ये आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और अगर आपका डॉग इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा ले तो ये आपके डॉग के लिए जानलेवा साबित होती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने डॉग को चॉकलेट बिल्कुल भी मत दीजिए, और साथ ही साथ चॉकलेट में पाया जाने वाला चोको पाउडर से बनी हुई या फिर कैफीन, इन दोनों ही चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको अपने डॉग को बिल्कुल नहीं देनी, जैसे कि चाय या फिर कॉफ़ी। ये आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, ये आपके डॉग के हार्ट में प्रॉब्लम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके डॉग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्याज या फिर लहसुन। दोस्तों, इन दोनों ही चीज़ों में एक केमिकल पाया जाता है थायोसल्फेट नाम का। तो दोस्तों, ये इंसानों को तो कोई नुकसान नहीं करता, मगर आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर ये आपका डॉग गलती से भी प्याज या फिर लहसुन खा लेता है तो ये केमिकल आपके डॉग के रक्त कोशिकाओं को धीरे धीरे ख़राब करने लगता है, और आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा लेजी या फिर सुस्त होने लगता है, और अगर आपके डॉग को सही टाइम पर इलाज ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए आप अपने डॉग को किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों से दूर रखिए। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है नमक या फिर चीनी। दोस्तों, आपने अधिकतर लोगों से सुना होगा कि वो आपको अपने डॉग को घर का खाना देने से मना करते हैं। दोस्तों, इसका मेन रीज़न यही है कि आपके घर के खाने में या तो अधिकतर खाने में नमक होता है या फिर चीनी, और आपके घर का खाना काफ़ी ज़्यादा मसालेदार भी होता है, जो कि आपके डॉग के गले में और पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और साथ ही साथ ये जो चीनी और नमक है ये तो आपके डॉग को हद से ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप अपने डॉग को घर का कोई भी ऐसा खाना मत दीजिए जिसमें चीनी या फिर नमक मिला हो। हालांकि दोस्तों, अगर आप कभी कदार या फिर थोड़ा बहुत दे देते हैं तो ये आपके डॉग को नुकसान नहीं करेगा, मगर अगर आप इसे रोज़ डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत भी देते हैं तो ये आपके डॉग में धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपके डॉग को डायबिटीज़ जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका इलाज बाद में कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों, इससे आपके डॉग में डायरिया, पेट खराब होना या फिर आपके डॉग में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए आप अपने डॉग को बिल्कुल भी चीनी या फिर नमक मत दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि आखिर हम अपने डॉग को अपने घर में बनी हुई क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं जो कि आपके डॉग को फ़ायदा करें, ना कि नुकसान। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ उसके साइड वाला बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आप कुछ भी पर्सनल एडवाइस चाहते हैं अपने डॉग से रिलेटेड तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, साइट में मेरी आईडी आ रही होगी।
दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अल्कोहल या फिर शराब। दोस्तों वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि उनका डॉग शराब या फिर अल्कोहल पिए, मगर फिर भी कई लोग होते हैं जो खुराफात में अपने डॉग को अल्कोहल या फिर शराब पिला देते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आपके डॉग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और दोस्तों अल्कोहल आपके घर के और भी कई चीज़ों में पाया जाता है जो कि आप अपने घर के खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि वो सभी चीज़ें आप अपने डॉग से बिल्कुल दूर रखें, जिससे कि आपके डॉग उन तक ना पहुँचे या फिर उनको ना पिए, क्योंकि इससे आपके डॉग में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि उसे उल्टियाँ होने लगेंगी, पेट में डायरिया जैसी समस्या हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके हार्ट अटैक या फिर फेफड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने डॉग को ये अल्कोहल जैसी किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रखिए। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है टूथपेस्ट या फिर कैंडी। दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने डॉग को ब्रश कराते हो, तो दोस्तों अगर आप ब्रश कराते समय अपने डॉग के लिए इंसानों वाला टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इंसानों वाले टूथपेस्ट और डॉग के टूथपेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। कि दोस्तों होता क्या है, हमारे इंसानों वाले टूथपेस्ट में उन्हें टूथपेस्ट को मीठा करने के लिए उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, और साथ ही साथ ऐसा कैंडीज़ में भी होता है, जो कि मैंने कैंडीज़ की बात की थी। तो आपको अपने डॉग को इंसानों का टूथपेस्ट बिल्कुल नहीं कराना है और ना ही उन्हें कैंडीज देनी, क्योंकि इनमें जो मीठा करने वाला केमिकल होता है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और साथ ही साथ कैंडी आपके डॉग के गले में भी फंस सकती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दोस्तों इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है घी। दोस्तों आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। दोस्तों इस कहावत का सीधा संबंध डॉग के पाचन तंत्र से रिलेटेड होता है। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि डॉग्स में के पाचन तंत्र में ऐसे एंजाइम बिल्कुल नहीं पाए जाते या फिर बहुत कम पाए जाते हैं जो घी का पाचन करने के लिए ज़रूरी हैं। तो इसकी वजह से आपका डॉग उसे पचा नहीं पाता और आपके डॉग को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। सबसे पहले आपके डॉग का पेट खराब हो जाता है और साथ ही साथ उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तो इसलिए आप अपने डॉग को घी बिल्कुल भी मत दीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक, साथ ही साथ हमें नीचे अपने कमेंट के द्वारा प्रेरित कीजिए। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।